सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं आशा संस्था से गजेंद्र सक्तावत आज आक्या नजदीक में आया हूँ। यहाँ पे ओम प्रकाश आजना एक किसान है जो हमारा साथी है, वी हमारे बताएगा कि गेहूं में कड़ी तरीके से सिंचाई करनी चाहिए। ओम प्रकाश जी राम राम। आज आप गेहूं का खेत में कई करवा जा रहे हो? राम राम। गेहूं का खेत में अभी पानी फेरी रहा, अभी तो पानी चालू करी है। ओम प्रकाश जी आप जो गेहूं का खेत में पानी फेर रहे हो तो इसे कई वेगा अपनाने? गेहूं में पानी फेरवाती हमारी जो मिट्टी है, जो नरम रहेगा और गीली रहेगा, वहीं थी गेहूं ना जो है गोड़ ई पानी लिया करेगा। गेहूं में पानी फेरवाती गेहूं ना पौधा ना जो है ये कुंचा ज्यादा फूटेगा और इनती उम भी ज्यादा लेगा और पैदावार ज्यादा होगा हमारी। तो ओम प्रकाश जी आज हमारे ये बताओ कि गेहूं में पानी कस्तर फेरनो है और कतरा कतरा टाइम का में फेरनो है? गेहूं ने वाया बाद अपना ने जैसे 20-25 दिन ना अंदर पानी देना जो बहुत जरूरी है। ओम प्रकाश जी जो आपने बताया हमारे के पहलो पानी 20-25 दिन में देना जरूरी है, अब एकज पानी है तो 20-25 दिन में देना जरूरी है कि बाद में भी दे सका अपने? पानी फेरवा को समय योज रहे 20-25 दिन। अनी बात है क्या कि गेहूं फूटे अच्छा और कुंचा अच्छा बने और योज टाइम रे खास गेहूं की पैदावार बढ़ावा होते। अनादन में अगर जो पानी नहीं दांगा तो पैदावार बहुत कम होगा अपनी। दादा ये गेहूं में अपना ने कतरा वक्त पानी फेरवा पड़े और दूसरो पानी जो है पहलो पानी आप बता दो 20-25 दिन का अंदर है, दूसरो पानी कद फेरांगा अपने? अपना ने 5 बार तो पानी देना पड़े गेहूं ने और जो दूसरी दूसरो पानी पानी फिरनो 40-45 दिन में देना बहुत जरूरी है। तो दूसरो पानी है जो 40-45 दिन के अंदर देना क्यों जरूरी है? 40-45 दिन में बस रे खास पान के यानी थी पोटा पोटे अच्छा आए गऊँ जो उम्बी निकलना समय रे वाह रे खास और कहा कि अगर जो नहीं पिलाऊंगा तो उम्बी सही साथ नहीं निकलेगा, पोटे सही नहीं आएगा और पैदावार कम होगा वहीं थी अपनी। और दूसरी तीसरी पान देनी है जो अपना ने जो बाहर जो उम्बी निकली जाए जीना बाद 70-75 दिन ना अंदर देनी जरूरी है। यो तीसरो पानी जो है जो 70-75 दिन का बच में देना क्यों जरूरी है? वनी टाइम पे फूल आवन मतलब अच्छी उम्मीद निकली जाएगा और फूल आएगा अच्छा बढ़िया। और जो चौथी है पान वह 90-95 दिन में देनी जरूरी है, वनी टाइम पे गेहूँ उत्पत्ति अच्छी होगा। या गेहूँ में जो आपने बताई चौथी पाणत जो है या 90-95 दिन तो यह इतने दिन में देनी क्यों जरूरी 90-95 वच में? अगर जो 90-95 दिन में नहीं पावांगा अपने तो इन पे दाना बनना शुरू हो जाए, अगर जो वनी टाइम पे नहीं पिलाओ दानों बारीक रहेगा और कमजोर वेगा वो। ओम प्रकाश दादा आपने माने बताया कि चार पाना कद कद करनी चाहिए और उन्हें से कस्तर कस्तर गेहूँ अपनो बड़ो वे, पर जो पांचवो पानी है यो पाना तो अपना पांचवी पाना कद करांगा? और बोई ना बाद हमारा 110-115 दिन ना बीच में देना पानी जरूरी है और विनती गेहूँ नो दानो जो रहे थोड़ा बहुत छोटो बड़ो रहे वो अच्छो हो जाएगा और कलर अच्छो होगा पैदावार अच्छी होगा सब्जी ज्यादा। ओम प्रकाश दा जो आपे बतायो कि पानी हमारे 5 वक्त पिलाना है तो ये पांच ही वक्त पानी पिलाओगा कई कई फायदा है एक बार बताओगा माने? अपना समय समय थी पानी दांगा तो अपने कुंचा अच्छा फूटेगा और पोटे अच्छा आएगा और फूल अच्छा निकलेगा और दाना अच्छा भराएगा इनमें और कलर अच्छा होगा पैदावार अच्छी होगा और सबसे बढ़िया धान अच्छा निकलेगा। ओम प्रकाश दा आप जो पानी फेरवा को बता ही रहा हो ये सब आप फेरियो है और अपना जो आसपास का किसान भाई है वड़ा ने आपको संदेश देना चाहो? सब किसान भाई ने हूँ यू कहना चाहूँ का समय समय पे पानी फेरना चाहिए और अच्छो धान वेगा विनती और अपने अच्छा समय तक किसान बनी सकता हूँ। ओम प्रकाश दा आप जो हमारे बताया है कि 5 बार पानी फेरनो है अणी से अपन अगर अच्छी पाणत करा तो अच्छा समृद्ध किसान बन सका और जो आपने हमारी जानकारी दी इकाले मैं आशा संस्था की ओर से आपके धन्यवाद दूँ। ठीक है धन्यवाद। तो किसान भाई लोगा आपे देखियो वेगा कि गेहूं में पानी जो करा हुआ 5 बार करा हा, पहलो पानी जो है बुआई का 20-25 दिन का अंदर जनी से कुंचा अच्छा फूटे, दूसरो पानी जो है यो 40-45 दिन का अंदर जनी से अपना पौधा बढ़ावे वन टाइम पे है, तीसरो पानी जो है वो 70-75 दिन का अंदर जनी से फूल आए, चौथो पानी जो है 90-95 दिन का अंदर जनी से दानो बड़ो वे और दानो भराए है, पांचवो पानी जो है 110-115 दिन का अंदर वे जनी से आखिरी टाइम पे उम्बी अपनी अच्छी तैयार वे पौधा अच्छो तैयार वे और आखिरी में फसल अपना ने अच्छी मिले। जय राम जी की जय राम।
Thank you.